बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तुम जीत गए, हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, मेरे दिल की। दफ्तर से वापसी पर तेरे लिए कुछ लेता हूँ। नहीं अब्बा जी, क्यों, क्या हुआ? नहीं ऐसे ही, तेरा कुछ खाने पीने को जी करता हो तो बता दे। अच्छा चल, कोई चूड़ियाँ, कोई परांदा। अब्बा जी से रजिस्ट्री की बात कैसे कर लूँ? वैसे भी वो घर अब्बा जी के नाम पे, जब मेरे और फातिमा के नाम पे करेंगे तब देखी जाएगी। अरे तो कब करेंगे तुम्हारे नाम? आप मुझे कहीं बाहर भेज दें यहाँ से, वो कहीं भी, और दिल नहीं लगता अब यहाँ पे। ओ बहू नासर, तुझे बाहर भेज तो दूँ यार, ओ बड़े पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं प्रदेश में। ये अपने बाप के घर से कागज लेकर ही वापस इस घर में आएगी, वरना इसको वहीं बैठे बैठे मैं कागज पहुंचा दूंगा। चल रोहान जाग जाए तो उसको लेके जल्दी चली जाना अपने बाप के घर, और मकान की रजिस्ट्री लेकर ही वापस आना। अब्बा जी से मैं अभी ये बात नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती? तू तो कहती थी तू इस घर के लिए, अपने बच्चे के लिए, मेरे लिए कुछ करना चाहती है, तो करना। अब कर, मेरी मदद करो बाहर में। देख बेहतरी इसी में है कि तू खुद बात कर ले, वरना तेरे बाप से जाके अगर मैंने बात की, कोई गल उच्ची नीची हो गई तो फिर मेरे मुंह ना लगना। मरियम बेटा, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। जी अब्बा जी, अल्लाह हाफिज। वो मैं कह रहा था कि वो दफ्तर से वापसी पर तेरे लिए कुछ लेता हूँ। नहीं अब्बा जी, क्यों, क्या हुआ? नहीं ऐसे ही, तेरा कुछ खाने पीने को जी करता हो तो बता दे। अच्छा चल, कोई चूड़ियाँ, कोई परांदा, कोई कोई खिडौना। मैं अब खिडौनों से कहाँ खेलती हूँ। चलिए कल तक तो तू खिडौनों से खेलती थी। कल तो गुजर गई अब्बा जी। गुजर गई, इतनी छेती। और इतनी ही छेती कल आ भी जाएगी। अब्बा जी, अब रख। भाभी, भाभी। हाँ क्या है? बैरी नहीं हुई अभी मैं। वो क्या, कौन, किसके बारे में बात बताने लगी है?
मैं आमना बाजी के घर चली जाऊं। क्यों, किस लिए? वो फिर वो क्या फातिमा, वो लगा रखी है तूने? वो बाजी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आज वो पॉलर भी नहीं आएंगी। मैं चाह रही थी कि उनसे मिलने चली जाती। अच्छी तरह पता है मुझे तू किसको मिलना चाह रही है। उस घर में देख लड़की, वहाँ पे तेरे रिश्ते की बात चलते चलते बीच में कहीं अटक गई है। खाला परवीन ने मुंह से बात बोल तो दी है पर पल्ला नहीं हाथ पड़ा रही वो, और तू उधर जाने के लिए पागल हो रही है। मत मारी गई है तेरी माची तो मारी गई है, कोई जरूरत नहीं है कहीं पर भी जाने की। भाभी मैं तो सिर्फ बहन का पता लेने जा। वो देख बर्तन कितने इकट्ठे हुए हैं, जल्दी से धो ले नहीं तो पानी चला जाएगा। फिर पहले क्यों नहीं चला गया ये पानी? तूने पेके नहीं था जाना? ये छोड़ दे, ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। नहीं अम्मी, मैंने कहीं नहीं जाना, आप रहने दे मैं कर लूँगी सारा कुछ। की मतलब कहीं नहीं जाना? सुबह ले आकर तुझे बता के नहीं गया कि तूने क्या करना है? अब्बा जी से रजिस्ट्री की बात कैसे कर लूँ मैं? वैसे भी वो घर अब्बा जी के नाम पर, जब मेरे और फातिमा के नाम पर करेंगे तब देखी जाएगी। अरे तो कब करेंगे तुम्हारे नाम? मेरा मतलब है देख, बुरा ना मानी है हम ना, वो अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे अब्बे को कुछ हो गया तो ये सजाद और शनाज तुम दोनों बहनों के हाथ कुछ नहीं आने देंगे। ये मेरी बात लिख के रख ले। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ये तेरे फायदे की बात कर रहे हैं हम लोग। तुझे अपने खावंद की भी परवाह है कि नहीं? दुकान बंद हो जाएगी अगर उसमें पैसे ना लगाए, माल ना डाला तो फिर है तो चंगी रहेगी तू? हाँ तो उधार पे उठा लेना माल, ऐसे ही चलता है कारोबार। तुझे पता भी है कि पहले कितना उधार माल उठाया हुआ उसने, पर तूने कभी अपने खामद के दुख सुख में उसका साथ दिया हो तो तुझे पता हो ना। जेवर पड़ा है मेरे पास कुछ, वो दे देती हूँ लियाकत को। इसका मतलब है कि तूने अपने प्यो से बात नहीं करनी? यही मतलब है अम्मी। ठीक है आमना, ठीक है। वैसे तू अपने खामद को अच्छी तरह जानती है, उसके दिमाग में कोई बात घुस जाए ना तो फिर हम उसे खिंच के भी नहीं निकाल सकते, समझी मेरी गल? भाई अख्तर, मैं घंटे दो घंटे तक आता हूँ, एक दोस्त को पैसों का कहा तो हुआ है, देख शायद काम बन जाए। अल्लाह खैर करे लियाकत भाई। ध्यान रखिए। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। हाँ भी जिगर किधर? और जल्दी से पिकअप निकाल और फटाफट दुकान पे पहुंच। और नहीं नहीं लंबा काम नहीं है, और बस थान पहुंचाने हैं, समझ गया ना? और वहीं पे और मेरे घर पे। हाँ ठीक है, चीते की तरह पहुंच, चीते की तरह। या अल्लाह माफ कर दे। Thank you.
ये अपने बाप के घर से कागज लेकर ही वापस इस घर में आएगी, वरना इसको वहीं बैठे बैठे मैं कागज पहुंचा दूंगा। चल चल पानी पिला दे जल्दी से, आज मैं बहुत थक गई। मून, कोई शर्म कोई हया होती है, बंदा सलाम ही कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज मैं तुम्हारी ना अब्बू को अच्छी तरह से शिकायत करूंगी। क्या शिकायत लगाओगी? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ओए, तू किस माँ को ढूंढता रहता है इस रसाले में है? इस माँ को भी देख लिया कर। जी बताएं क्या बात है। अम्मी, आज ना ये मुझे बहुत लंबे रास्ते से लेकर आया। कभी किताबों वालों के पास रुक जाता था और कभी चाट खाने लग जाता था। मैंने अकेले खाया चाट? बताओ, तुझे भूख लगी थी कि मुझे? तुझे मैंने कितनी दफा कहा है, सीधा घर आया कर। है समझ क्यों नहीं आती तुम लोगों को? और मुझे नहीं अच्छा लगता ये किस दोस्त से तू मुफ्त के रसाले उठा के ले आता है। अम्मी, वो मेरा दोस्त है, मैं मैगजीन देखकर वापस कर तो देता हूँ उसे। तो जरूरत क्या है तुझे ये रोज रोज रसाले लेने की? क्या ढूंढता रहता है इसमें तू? अम्मी, मैंने डिजाइनर बनना है, आपको पता तो है। बेटा, तू बंदे का पुत्र बन जाए, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा, ये तो दे दे। और पकाया क्या है? कलेजा भूना है अपना, लाल मिर्ची डाल के लेके आओ। वैसे कलेजा खाने में कैसा होगा? ये देखें बीजी। वाह वाह, अरे ये भेजी है, लाल रंग कितना सोना है ना। हाँ, अरे कासनी। और ये? ए भी बहुत अच्छा। और बेजी, ये बताएं, ये कैसा? क्या बात है, क्या बात है। नी चीमो? हाँ? नी है मेरे ट्रंक की चौकड़ आई? हाँ है। क्या मैं हर वक्त आपके ट्रंक की फूला फाली करती रहती हूँ? अल्लाह के फजलो करम से मेरे अपने ट्रंक नको नक परे हुए हैं। छुरी थले साल वो चीमो जी, मेरे ट्रंक भी नको नक भरे हुए हैं। मैंने भी एक आला से आला चीज मरियम के लिए संभाल के रखी हुई है। ले, मैंने कब्र में लेके जाना सारा कुछ। हाय बेजी, आप तो मजाक मजाक में जज्बाती हो जाती हैं। ये मरण मरान वाली बातें ना करें, मेरा दिल बहुत कमजोर है। हाँ, बड़ा कमजोर है ते आप हट्टी कट्टी। बेजी, ये बात अगर आपने मजाक में की है ना तो ठीक है, अगर आपने सच्ची मुची की है ना तो मेरे रोड लग जाना। चल नहीं ड्रामेबाज, चल जा जाके मेरा ट्रक चुक के लिया, मैं तेनु खावा। एक से एक आला जोड़ा मैंने रखा हुआ है मरियम के लिए, उसके ससुराल वाले देखेंगे ना तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी उनकी। हाँ हाँ, ये 1920 के कपड़े आप मरियम के जेज में लगाएंगी। अच्छा जी, ए 1920 किसको का है? खैर से, ए मैं मलका बरतानिया के साथ खेलती नहीं हूँ। 1920, चल मैं खुद ही देख लेती हूँ। हाँ जाओ जाओ, बच्चे और देखो देखो कहीं टिड्डिया ही ना टूक गई हूँ सब कुछ। तो बहुत सुना है मेरी मरियम के लिए। अब देखें गजब ढा रही हैं आप। हाँ, अब बहुत बेहतर है। आमना कहाँ है? जादू है वैसे उसके हाथ में। बाजी नुज़रत। अस्सलाम वालेकुम बाजी। तुम खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके गेट पे बैठो। क्या हाल है नुज़रत, आ गई हो वापस? जी मैडम। और तुम भी चलो अंदर बैठो, मैं करती हूँ तुमसे बात आके। बहू नासर, शेख शराफत शरीफ को ना दफ्तर शफ्तर की कोई जरूरत नहीं है, और शेख शराफत शरीफ तो खुद टूटता फिरता एक दफ्तर है। कमला आ गए। और फिर ये है ना मेरा पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, काम का काम और इंटरटेनमेंट की इंटरटेनमेंट। और खुल के ऐसा करो भाई, और तेरे तो हंसने में भी दर्द है, दर्द करा ही। और ये कुड़ियाँ शुड़ियाँ आने जाने वाली चीज होती हैं, इतना दिल पे नहीं लगाते इनको आँख मिला के।
शराफत भाई आप मुझे कहीं बाहर भेज दें यहाँ से, वो कहीं भी, दिल नहीं लगता अब यहाँ पे। ओ बहू नासर तुझे बाहर भेज तो दूं यार, ओ बड़े पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं प्रदेश में। तू यारो बेली वाला मुंडा है, तुझे यहीं सेट करते हैं, एडजस्टमेंट बनाते हैं तेरी कोई आंख मिला के। ओ नहीं शराफत भाई, ओ सांस नहीं आती मुझे यहाँ पे, चैन नहीं रहा। ओ आप बताइए कितना खर्चा आएगा। ओए बाऊ नासर, ओ कैसी बातें कर रहा है पैसों शैसों की मेरे साथ, मैंने ऊपर जाके तेरे अबे को मुंह क्या बखाना है आंख मिला के। ऊपर पैसे तो लगेंगे ना शराफत भाई, ऐसे बैठे बिठाए तो समुंदर नहीं पार कर सकता मैं। मुंडा तू सियाणा है, चल ठीक है, बस फिर तूने सिर्फ टिकट और वीजे के पैसे करने हैं, उसके अलावा एक थैला भी हराम है शेख शराफत पे आंख मिला के। फिक्र ना कर, अंगूर खा, खुद लेके आया मैं रेड़ी से, बड़े साफ सुथरे अंगूर है, खा। ओ उधर से भी बंदोबस्त नहीं हुआ, तेरी गल हुई है पटवारी से कि नहीं? ओ हुई है, ओ कितनी बार आपको बताया मैंने, और लेकिन आजकल आपका ध्यान खबरें किधर होता है? ओ क्या कहता है वो? ओ कहना क्या है, जो मैंने कहा है वही कहेगा, पहले मकान की रजिस्ट्री देखेगा फिर बताएगा, और रजिस्ट्री आपको खबरें मिलती है कि नहीं मिलती। ओ बकवास ना करया कर मेरे आगे, आज क्या क्या आया था मैं उसको के जाके अपने पियो से बात करके आया, कोई ना कोई बात तो करके आई होगी। वैसे लियाकत भाई उस सेब को इको दफा चक मार के खाओ ना तो बड़ा स्वाद आता है, और आप तो ये बारीक बारीक फाड़ियां करके खा रहे हैं। की मतलब है? और लियाकत भाई आमना भाभी पढ़ी लिखी खातून है, उनके सामने जबानी कलामी बात का कोई फायदा नहीं, और उन्होंने पता नहीं आपकी बात ध्यान से सुनी भी है कि नहीं सुनी। और चंगी तरह दोनों कानों में उसके बात डाल के आया हूँ, समझा के आया था उसको मैं, यही तो होगी अपने बाप के घर। चलो फिर दुकान बंद करते हैं, आप घर जाके रजिस्ट्री देखो, और मेरा फिल्म देखने का टाइम हो गया। वो भी सैमा की। लियाकत भाई ये फिल्मों में बारिश वाला गाना होता है, ये सही होता? दिमाग ना खराब कर। है नहीं आमना, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तूने लियाकत से बात की है कि नहीं? नहीं अम्मी, मेरी उनसे कोई बात नहीं। उसे फोन करके बता तो देना था कि तू पेके नहीं गई अपने। तुझे मैं बता दूँ आमना, उसने घर में आके ना बड़ा फसाद कर दिया। तो कर ले फसाद, पहले कौन सा शहद में घुली हुई बातें करते हैं वो दुकान से आके। आज फसाद नहीं होगा, आज फैसला ही होगा। तुझे शहद में जहर घोल के ना पिला दूं मैं। लियाकत है, तेरी जुबान खुल गई है, तेरी हर बात मानी है मैंने, हर चीज की इजाजत दिया तुझे मैंने, तू मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती, किस बात की आकर है तेरे में? लियाकत की हो गया पुत्र, आराम से बैठ के बात कर, जानिए अपना जल्दी से इसके लिए पानी लेके आ, चल जा 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 पानी लेके आ, और मार अपने मुंह पे छट्टे, तुझे कुछ होश आए, किस दुनिया में रहती है तू? तुझे मैं क्या कह के गया था, क्यों नहीं गई तू अपने बाप के घर? आराम से बात करें, जब तक फातिमा की शादी नहीं हो जाती अब्बाजी से बात नहीं कर सकती मैं। और उसकी शादी तू खुद होने नहीं देगी, चल चल अपना कपड़ा लत्था पकड़ और चल मेरे साथ तू, चल चल क्या कर रहा है, ना कर ऐसे, इतना गुस्सा ना कर बस, चल मैं कहीं नहीं जाऊंगी लियाकत। क्यों नहीं जाएगी तू, अब तुझे मैं लेके जा रहा हूँ ना, तुझे किस बात का डर है, तू तो पढ़ी लिखी औरत है ना, तू किससे डरती है, चल 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 होश कर, क्या हो गया, मैं समझा दूंगी आमना को, ऐसे ना बस, अब कोई ना बोले अपने बाप के घर से कागज लेकर ही वापस इस घर में आएगी, वरना इसको वहीं बैठे बैठे मैं कागज पहुंचा दूंगा, चल चल। मेरी सुंदर ना कर ऐसा, ऐसा जुलम ना कर, ऐसा ना कर, मेरी बीवी है की बता, चल अरे भाई लो बाप, ये तो मां जी का नहीं सुंदर पिया, मां जी रहने दो किसी मदसना, होश ना ऐसा नहीं, क्या कहता है उतरो, और ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूं ना, ये हम दोनों के लिए और हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूं, समझ आई है?
इफ्फत बाजी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। अम्मी को परेशानी से नींद नहीं आ रही थी तो लियाकत बिहाड़ी लेकर गए उन्हें। लियाकत भाई, तुम्हें इस टाइम इस तरह यहाँ पे क्यों छोड़ के गए? वो हमारा कुछ नहीं लगता। आपका कुछ नहीं लगता होगा, मेरा तो वड्डा पुत्र है। अभी फोन करती हूँ। बाद आ जा शमीम, मैं तुझे कह रहा हूँ। खबरदार जो मुझे रोका तो। उसकी बहन का ब्याह है नजीर साहब, खुद ही आके डोली में बिठाए मरियम को। फायदा ताने नहीं चाहिए, पैसे चाहिए मुझे, और दुकान में मेरा भी हिस्सा है। किस हिस्से की बात कर रहा है तू? अपने खून पसीने से मैंने इस दुकान को कायम रखा हुआ है, इसे बेच के लाऊं क्या पैसा मैं? तो बेच डाले ना। अरे अपने कर्जों के लिए आमना भाभी का मकान बेच सकते हैं, तो मेरे लिए दुकान क्यों नहीं? बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा, बोल अम्मी, क्या हुआ, सोई क्यों नहीं? रोटी खाएगा तो? नहीं, भूख नहीं है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जो कुछ भी हुआ है ना, वो ठीक नहीं हुआ। इस घर में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप बताएं क्या हुआ? वो लियाकत, लियाकत आमना को जबरदस्ती ले गया और ऐसे घसीट के लेके गए जैसे वो औरत नहीं बेचारी, कोई जानवर है, पेड़ बकरी है जैसे। इस वक्त कहाँ ले गया भाभी को? उसके बाप के घर छोड़ने चला गया और कहता है कि जब तक वो अपने बाप से मकान की रजिस्ट्री नहीं ना लेके आएगी, तब तक वो इस घर में कदम नहीं रख सकती। ना दोस्त, भाई पागल तो नहीं हो गए? ऐसे कैसे कर सकते हैं? और वो कुछ भी कर सकता है नासिर, वो कुछ भी कर सकता है। पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा मियां, परेशान ना हो, मैं भाई को फोन करता हूँ। अल्लाह उसको नेकी की हिदायत दे। पता नहीं, ठीक ठीक बता आमना, रात के इस वक्त ऐसे कैसे तुझे वो गली में छोड़कर चला गया? अंदर क्यों नहीं आया? अब मुझे भी तो बताओ हुआ क्या है। बाजी को बताया मैंने, इफ्फत बाजी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। अम्मी को परेशानी से नींद नहीं आ रही थी तो लियाकत बिहाड़ी लेकर गए उन्हें। तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चले गए वो? हाँ, तो और मैं और रहान क्या करते अकेले घर पे? हाँ, तो ये सारी बात उसे घर के अंदर आके अब्बा जी से करनी चाहिए थी ना। बुरा ना मनाना आमना, बड़ी फजूल हरकत की है लियाकत ने। अब क्या बुरा मना? जरा नंबर मिला ना लियाकत का, मैं उससे बात करता हूँ। छोड़े अब्बा, रहने दें, इस वक्त बात करके क्या करेंगे आप लियाकत भाई से? ओहो, उसकी बहन का हाल वाल ही पूछ लूंगा। ओहो अब्बा जी, अभी तो वो निकले भी नहीं होंगे। मैं ना सुबह फोन करूंगी, सारी कहानी का पता लगाऊंगी। नहीं भाभी, आप ना करना फोन, मैं खुद ही बात करा दूंगी आपकी। और नहीं नहीं भट्ट साहब, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मसला था पैसों का, पर हो गया बंदोबस्त। वो एक मकान है, उसका कर रहा हूँ कुछ, हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। आप के सारे पैसे इकट्ठे दे दूंगा, आप पिछला माल और अगला माल भिजवा दें, मैं सारे पैसे एक साथ दे दूंगा। हाँ हाँ, फिक्र ना करें भट्ट साहब, सारा मसला हल हुआ है, बंदोबस्त हो गया। जी क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? बताओ मुझे क्या हुआ? क्या देखो,
तुम मुझसे तो कुछ मत छुपाओ। लियाकत भाई तुम्हें इस टाइम इस तरह यहाँ पे क्यों छोड़ के गए? बाजी तो मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? अस्सलामुअलैकुम। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? जवान बेटी के गरीब बाप के पास परेशानियां ही होनी है और क्या होना है, वरना उसके हाथ भी खाली और जेबें भी खाली। आप फिक्र ना करो, अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना ही देगा। आज लड़के के बाप का फोन आया था, वो तो फौरी तौर पर रुख्सती मांग रहे हैं। मेरे पास तेला नहीं है, ऊपर से पुराना कर्जा सिर पे है, समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या। अच्छा, मगर वो तो कह रहे थे कि कोई लेना देना नहीं, सादगी से निकाह करना है। ओहो, जो भी है, पर अब खाली हाथों नहीं तोड़ना ना बेटी को। फिर बरात के खाने पीने का खर्चा, तंबू के नाते 100 खर्चे होते हैं जो नजर नहीं आते, करने पड़ते हैं। ठीक कह रहे हैं। हाँ, मैं जफर को फोन कर। नहीं, कोई बात नहीं करनी उस नामराज से, वो हमारा कुछ नहीं लगता। आपका कुछ नहीं लगता होगा, मेरा तो वड्डा पुत्र है, अभी फोन करती हूँ। बाद आ जा शमीम, मैं तुझे कह रहा हूँ। खबरदार जो मुझे रोका, तो उसकी बहन का ब्याह है नजीर साहब, खुद ही आके डोली में बिठाए मरियम को। और नासिर बाऊ, वो बड़ी जल्दी छुट्टियां खत्म हो गई तेरी। मेरा मतलब है तबीयत शबीयत तो ठीक है ना तेरी? जरूरी बात करनी थी आपसे। वो कोई पैसे शैसे चाहिए? और चुप कर जा अख्तर, बीच में बोलता रहता है। बात से कर दे अख्तर। बाहर जा रहा हूं मैं। तो जाओ मौजा कर। मुझे करने नहीं, कम करने जा रहा हूँ मैं। और ना अपनी हट्टी पे तो काम होता नहीं सरकार से, बगैर की चाकरी कर लोगे? किधर जा रहा है, लाहौर या कराची? मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। ओ मुबारक हो नासिर बाऊ, दुबई जा रहे हो? ओ वहां से ना मेरे लिए नरम टोफियों का पैकेट जरूर भेजना। और 3 लाख रुपए चाहिए मुझे। ओ तेरी कट्ठे 3 लाख? और ना मैंने कोई खजाना दबा के रखा हुआ दुकान के थल्ले हैं, या अखबार में खबर आई है कि लियाकत अमीद का प्राइस बॉन्ड निकल आया? ना 300 ना 3000, कट्ठा ही 3 लाख। बहुत अच्छे नासर भाई, बहुत ही अच्छे। और भाई जान उधार मांग रहा हूँ आपसे, वापस कर दूंगा मैं। नहीं है तो मार्केट में से किसी से ले दे, अबे सूद पे ले दे। सूद पे लेके दे दे, और हराम काम कराएगा मेरे से? कभी देखा है कट्ठा तूने 3 लाख रुपया? भाई जान ताने नहीं चाहिए, पैसे चाहिए मुझे, और दुकान में मेरा भी हिस्सा है। किस हिस्से की बात कर रहा है तू? अपने खून पसीने से मैंने इस दुकान को कायम रखा हुआ है, इसे बेच के लाऊं क्या पैसा मैं? तो बेच डाले ना भाई, अपने कर्जों के लिए आमना भाभी का मकान बेच सकते हैं, तो मेरे लिए दुकान क्यों नहीं? और वैसे भी कौन सा चल रही है दुकान, उधार भी माल उठाया हुआ है आपने, और ना अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं ना भाभी की और ना मेरी। बकवास बंद कर, नहीं तो मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। बस बस, और लियाकत भाई, और लियाकत भाई छोटे भाई पे हाथ उठाओगे तो मार्केट वाले क्या कहेंगे? और अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है, ऐसी बकवास पे तो गोलियां चल जाती हैं। तो चला दे रहे गोलियां, पर मैं पैसे लेके रहूंगा, दुकान में मेरा भी हिस्सा है। और जा 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 के निकलवा ले फिर अपना हिस्सा, वड्डा आया इसको हिस्सा चाहिए। और छोड़ो लियाकत भाई, और गुस्सा थूक दो, बैठो। और बैठो यार, बैठो बैठो।
ओ गुस्सा थूक दें, ओ ये पानी पिए पकड़, ओ पानी पिए जनाब। ओए होए बड़ा आया हिस्सा लेने वाला। ओए हमने यहाँ पे वैडी की हुई है। दुनिया हमारे नाम मिलने पर ही खत्म नहीं हो जाती, अभी बहुत कुछ बाकी है नासर। मेरे लिए तो नहीं बाकी ना, ना रास्ता ना मंजिल, फरार की तलाश में हूं मैं, और अब शायद वो अभी मुमकिन नहीं। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा। ओहो नुजत, ये क्या कर रही हो? शीशे को गीले कपड़े से साफ नहीं करते, अखबार से साफ करते, तुम तो सब कुछ ही भूल गई हो। जी बाजी, इश्क मशूकियाँ ना किसी काम का नहीं छोड़ती हैं, दीन दुनिया सब भुला देती हैं। मुझे तो तुम्हारे घर वालों पे हैरत हो रही है, उन्होंने तुम्हें माफ कैसे कर दिया? मुझे क्या पता था बाजी, वो इतना कभी ना निकलेगा, और मैं वैसे बहुत परेशान हूँ, मुझे और नहीं रुलाएं। तो क्या फूलों के हार पहनाऊं तुम्हारे गले में? ओ जी हार कभी हमारे गले में भी डाल दे, हमारी भी असर नहीं रहेगी आंख में लाके। तुम्हारे गले में तो वरमाला पहनाऊंगी मैं। हाय आपकी यही टॉकिंग और ये अदाएं सोल खींच लेती है मेरी आंख में लाके। किसी दिन ना तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी मैं, और फिर पूरे सियालकोट में घूमना किसी से आंख मिलाने के लिए। ऐसा ना करना सारा जी, मैं कैसे लोगों को कहूंगा आंख मिला के। नुजत जाओ चाय बना के लाओ इसके लिए। वैसे सारा जी यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, अच्छा किया आपने इस बेचारी को जो रख लिया काम पे। बस शराफत, वाकई मैं बहुत नरम दिल की हूँ, मुझसे ना किसी का दुख देखा नहीं जाता है, और औरत पे जुल्म वो तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओ यस यू आर जस्ट लाइक मी, मुझसे भी औरत का दुख नहीं देखा जाता। वैसे हम दोनों मिलके एक दारुल अमान ना खोल लें इन बिचारी लड़कियों के लिए, कहाँ जाएंगी ये अगर हम नहीं खोलेंगे आंख मिला के। हाँ हाँ, अगर तुम जैसे लोग दारुल अमान खोल लेंगे ना, तो ये बेसहारा औरतें अमान के लिए कहाँ जाएंगी। यू आर वेरी फनी आंख मिला के। बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने भाभी को और अब्बा जी को कि वो लियाकत से बात ना करें। जाहिर सी बात है बाजी, तुमने बात भी तो ऐसी की है, अपनी नंद का बहाना किया है कि वो अस्पताल में है, और भाभी को तुम जानती हो, बात करे बगैर तो वो रहेंगी नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा ख्याल है अब्बा जी को बता देते हैं। पागल हो गई है, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, ना अब्बा जी को ना भाभी को ना भाई को। क्या लियाकत भाई का कारोबार वाकई बनता जा रहा है? पता नहीं, लेकिन अगर एक बात उसके दिमाग में घुस जाए ना, उसका निकालना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह रात को उसने मेरी तौहीन की है, कभी नहीं भूल सकती मैं। बस वो क्या कर। वैसे सारा जी वो आमना जी नजर नहीं आ रही बड़े दिनों से, घर बैठी है बीमारी का बहाना करके मजे से। तब तुम भी बताओ शराफत, काम ऐसे थोड़ी चलते हैं, नुजत भी वापस आ गई, मैं तो सोच रही थी फारिगी कर दूं। ना 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 यू आर वेरी सॉफ्ट गर्ल, ऐसा जुल्म ना करना उस बेचारी पे। कब्जा करने चली थी वो मेरे फन और हुनर पे, पता नहीं क्या जादू टूना किया उसने मेरी नई पुरानी क्लाइंट्स पे, हर कोई आमना आमना करती फिरती है, मेरा तो नाम भी किसी को याद नहीं है अब। वो ना करें आमना जी, अब मेरा कहने का मतलब है सारा जी आंख मिला के। कुछ मत पूछो, प्रश्न तक तो उसे पकड़ना आता नहीं था, मैंने उसे ट्रेन किया, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। नहीं वैसे मैंने सुना है कि वो कुदरती तौर पर वर्किंग लेडी थी, बड़ा हुनर था उसके हाथ में आंख मिला के। बस बस, बड़ा हुनर था उसके हाथों में, सब कुछ मैंने ही सिखाया उसको, और तुम मर्दों को क्या पता इन सब बातों का। मैं जरा चाय में चीनी चेक कर रहा हूँ आंख में ला के। इधर आ जाओ शराफत। वो चीनी ज्यादा ना डाल दे मुझे आंख में ला के।
रब सोने का लाख लाख शुक्र है, अब सारे बोझ हल्के हो जाएंगे। हमें भी तो कुछ बताओ छीमो जी, हम रब का शुक्र अदा करते हुए तुझे पैड़े लगते हैं? तनवीर ने मेरी जफर से बात कराई है, कल वो चेक भी भेज रहा है। कलेजे में ठंड पड़ गई बेजी। ठंड तो उस वक्त पड़ेगी जब खैर से घर आएगा और कुरान पाक की छांव तले अपनी बहन को रुखसत करेगा। आएगा बेजी, वो जरूर आएगा। हाँ अम्मी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जफर वाकई आ रहा है। हाँ पुत्र, वो आ रहा है और वो तो बहुत खुश था, कहने लगा मेरी बहन की शादी हो और मैं कैसे नहीं आऊंगा। खैर से आए मेरा पुत्र, अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुमा आमीन। तनवीर। हाँ बाजी। वो फोन दे जरा, मुझे जफर को फोन करना है। हेलो, 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 हेलो नासिर, कैसे हो तुम? कुछ कहोगे नहीं? क्या कहूँ, हम दोनों में अब कोई बात बाकी नहीं रही। और तुमने तो कहा था हमारे लिए आप कोई मुकालमे नहीं लिखे आगे। जिंदगी हमारी सोच, हमारे लफ्ज़ और हमारी मर्जी के ताबिया नहीं होती, हमें उसके ताबिया होना पड़ता है, उसके साथ चलना पड़ता है। पर क्यों? क्यों हमें साथ चलना पड़ता है? क्यों जिंदगी हमारे साथ नहीं चल सकती हमारी डगर पर? चलती है, जरूर चलती है, हमारे साथ, हमारे रास्ते पे, लेकिन वक्त आने पर। और ये हमारा वक्त नहीं है नासर। हमारा वक्त वो तो अब कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा हमारा वक्त। एक साथ ना सही, जुदा रास्तों पे ही सही। दुनिया हमारे नाम मिलने पर ही खत्म नहीं हो जाती, अभी बहुत कुछ बाकी है नासर। मेरे लिए तो नहीं बाकी ना, रास्ता ना मंजिल, फरार की तलाश में हूं मैं, और अब शायद वो भी मुमकिन नहीं। ऐसा मत कहो नासिर, वो सारी मोहब्बत बांट दो जो तुमने एक शख्स के लिए अपने दिल में कैद कर रखी है, उसे आजाद कर दो, खुली हवाओं के हवाले कर दो और खुद को भी आजाद कर दो। मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहती थी, यही मेरी आखिरी इल्तिजा है तुमसे। खुदा हाफिज। मरियम, एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।